खैरागढ़ उपचुनाव 12 अप्रैल को होने वाला है। खैरागढ़ उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला भी है, जिसके कारण ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इसे लेकर महिला कांग्रेस की गंडई अध्यक्ष व गंडई की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षा रुक्मणी देवांगन ने दावेदारी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीते 20 सालों में गंडई नगर पंचायत में भाजपा का कब्जा रहा है, और जब कांग्रेस के आला कमानों ने उस पर भरोसा किया, तो 20 साल के बाद पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पंचायत के नगरवासियों के आशीर्वाद से पहली बार यहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और यहाँ के नगरवासियों का भरपूर प्यार और स्नेह भी मिला। तो आज खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है। स्वर्गीय राजा देवराज सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं खैरागढ़ में विधानसभा के उपचुनाव होना है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता सरकार है, एक बार फिर मुझ पर भरोसा करके मुझे कांग्रेस से खैरागढ़ विधानसभा की टिकट दिया जाए। सभी के आशीर्वाद से मेरी विजय हो। देश की ऐसी पहली सरकार है आज छत्तीसगढ़ में, देश की ऐसी पहली सरकार है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो सभी वर्गों को राशन दे रहे हैं, और आज गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, और सभी वर्गों को के जो राशन कार्डधारी बने हुए हैं। मतलब आपका मानना है कि ये हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ की ऐसी सरकार है जो गरीबों का सबका राशन कार्ड बनाए और फ्री में मतलब राशन दे रहे हैं, जिससे यहाँ के गरीब भूखे न मरे। और आप खैरागढ़ जो उपचुनाव होना विधानसभा में, आप भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं,